दोस्तों, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी सिंगिंग तो आज का वीडियो आपके लिए है। और आज मैं आपको विशेष 5 टिप्स देने जा रहा हूं, जो अगर आपने फॉलो की तो निश्चित तौर पर आप अपने गायन को इम्प्रूव करेंगे। हाय एवरीवन, माय सेल्फ सचिन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली टिप गायन के अंदर है कि जब भी आप अपना रियाज शुरू करें तो आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। दोस्तों, कभी भी आप बिना इंस्ट्रूमेंट के रियाज मत कीजिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा मानक होता है जो आपको बताता है कि सी नोट की क्या फ्रीक्वेंसी है, सी शार्प की क्या फ्रीक्वेंसी है, डी नोट की क्या फ्रीक्वेंसी है। जहां भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप ये देखिए कि टीचर आपको किस सुर पर सा लगाना बता रहा है, और उसी सुर पर आपको अगर रियाज करना है तो उसके लिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट पियानो हो दोस्तों, चाहे हारमोनियम हो, चाहे हारमोनियम ऐप हो, और चाहे हो तानपुरा। बिगनर्स के लिए तानपुरा, मैं समझता हूँ सबसे पहले आपको हारमोनियम या हारमोनियम ऐप का सहारा लेना चाहिए। जब आपको सुरों की पहचान होने लगे तो आप तानपुरे पर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में तानपुरे पर रियाज करेंगे तो आप जब खुद से रियाज करेंगे, जब टीचर आपके सामने नहीं होगा, तो आप अपनी गलती को पहचान नहीं पाएंगे कि कहां पर आपका सुर ठीक नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप यही है कि आपको अपने रियाज के लिए एक इंस्ट्रूमेंट अपने साथ रखना है। और अगर आप हारमोनियम या पियानो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको वही काम हारमोनियम ऐप से लेना है दोस्तों। और दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरी टिप गायन में, दूसरा ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जो आपको अपनाना है। आपको फ्रेंड्स एक सही स्केल का चुनाव करना है। मान लीजिए आप एक मेल सिंगर हैं। जनरली हम मानते हैं कि सी शार्प एक स्टैंडर्ड स्केल है मेल्स के लिए, पर ये डिपेंड करता है कि आपका गला, गॉड गिफ्टेड गला कैसा है, आपको गॉड गिफ्ट के तौर पर आप कैसी आवाज मिली है। हो सकता है कि आप ऊंचा गाने में सक्षम हो, तो आप उस केस में अपने स्केल को डी या डी शार्प भी रख सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग में सी शार्प भी आप सी शार्प पे गा रहे हैं और आप उसे ऊंचाई तक फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप अपना स्केल सी भी रख सकते हैं। यानी मेल सिंगर्स सी, सी शार्प, डी या डी शार्प पर रियाज कर सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर, अगर आप एक फीमेल सिंगर हैं तो भी आपको अपने स्केल का चुनाव सही तरीके से करना है। जनरली फीमेल्स के लिए ए शार्प या बी फ्लैट नोट स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन अगर आप एक फीमेल होते हुए ऊंचा गाने में सक्षम हैं तो आप बी नोट भी सिलेक्ट कर सकती हैं। और अगर आप बी या बी फ्लैट पर अनकंफर्टेबल हैं, यानी ऊंचाई पर जब आप जाकर सा नोट नहीं लगा पाते, तो आप ए नोट पर या जी शार्प नोट पर भी रियाज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था दूसरा मूल मंत्र कि आपको अपने स्केल का चुनाव सही तरीके से करना है। अगर आपने गलत स्केल चुनाव किया, जैसे आपका सी शार्प स्केल है और अगर आप डी या डी शार्प पर गाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊंचा नोट नहीं लग रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको अपने स्केल का चुनाव सही तरीके से करना है, तभी आपकी जो स्टार्टिंग रियाज, बेसिक रियाज है, वो ठीक तरीके से हो पाएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरा मूल मंत्र जो आपके गायन को इंप्रूव करेगा। वेदर यू आर ए फीमेल सिंगर और मेल सिंगर, चाहे आप एक महिला गायक हैं या पुरुष गायक हैं, आपको कभी भी अपनी रेंज से बाहर रियाज नहीं करना। दोस्तों, आपको हमेशा उसी सुर पर रियाज करना है जहां तक आपकी आवाज आराम से जाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर आप कोई पलटा, अलंकार या सरगम गा रहे हैं, तो आपको किसी भी ऐसे नोट पर रियाज नहीं करना जहां आपकी आवाज बड़ी मुश्किल से जा रही है, क्योंकि आप एक बेसिक लर्नर हैं, आप सीख रहे हैं और आपको पता है कि आपने सा से लेकर तार सप्तक के सा तक, यानी मध्य सप्तक के सा से लेकर तार सप्तक के सा तक गा लिया, और उसके बाद किसी पलटे में आपको तार सप्तक का रे या गा लगाना पड़ रहा है, लेकिन वो आपसे लग नहीं रहा। यानी कोई भी ऐसा सुर, पलटा, अलंकार या सरगम गाते हुए जो आपसे लग नहीं रहा, उसे आप एकदम से लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे आपके गले पे स्ट्रेस आ सकता है दोस्तों। और आपकी जो मेलोडी है, आपके गले की जो मेलोडी है, जो मिठास है, वो खत्म हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस बात को आप ब्रीफ में ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप अपनी रेंज से बाहर गाने की कोशिश करेंगे, तो आपका गाना गाने से हटके चिल्लाहट में बदल जाएगा,
जिससे आपके गले को नुकसान होगा, आपकी गले की नसें स्टिफ हो जाएंगी और आपकी मेलोडी पे असर पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना नहीं है, करना है, लेकिन उसका एक तरीका है। और वो तरीका क्या है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक रियाज को, खर्च के रियाज को फॉलो करते हैं तो रेंज धीरे धीरे बढ़ती है। तो आपने ये जरूर नोटिस करना है कि आपकी प्रेजेंट रेंज क्या है और आपने उसी रेंज तक गाना है। जब बेसिक रियाज और खर्च के स्वरों का अभ्यास करते करते आपकी रेंज बढ़ने लगे तो ही आपको उन स्वरों को छूना है जहां तक आपकी आवाज जाती है। और फ्रेंड्स, जो आज का चौथा मूल मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं गायन के बारे में, वो ये है कि कभी भी आपको जब भी सुर लगाना है, मान लीजिए आप सा की प्रैक्टिस कर रहे हैं या पा की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी राग में कोई भी सुर लगा रहे हैं, तो आपको डिलीवरी ऑफ नोट पे ध्यान देना है। आपको कभी भी झटके से स्वर नहीं लगाना। जो मैंने देखा है, बहुत सारे लर्नर्स शुरू में जब सीखने के लिए आते हैं और हम लोग उन्हें बताते हैं कि सा किस तरीके से लगाना है, तो उनका सा लगाने का एक अलग ही ढंग होता है, जैसे एकदम से स्वरों को छोड़ना, जो कि जिसे आप कह सकते हैं कि जर्क टाइप नोट नहीं लगाना आपने। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में। देखिए, मान लीजिए सी शार्प स्वर पे आप सा लगा रहे हैं, एक तरीका ये है सा, पूरे ठहराव और आकार के साथ लगाना। और अगर आप इसे ऐसे लगाएंगे सा पा सा, ये हो गया एक झटके से स्वर को लगाना, ये बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। आपको जब आप एक स्वर भी लगा रहे हैं तो उसमें लय का ध्यान रखना है, उसमें ठहराव का ध्यान रखना है। और फिर से मैं आपको बता देता हूं, देखिए सा एक ठहरी हुई लय में आपको स्वर का अभ्यास करना है। ये थी दोस्तों चौथी टिप जो मैंने आपको सिंगिंग के लिए बताई। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पांचवा ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जो आपको सिंगिंग के लिए अपनाना है दोस्तों, और अपनी सिंगिंग को खूबसूरत बनाना है। फ्रेंड्स, आपको ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस समझना है। जब भी आप बेसिक रियाज करते हैं, पहला सुर लगाते हैं या दूसरा स्वर लगाते हैं, यानी सा के बाद पा की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको हमेशा एक लंबा सांस सा लगाने से पहले जरूर लेना है। लंबा सांस लेना है दोस्तों, और सांस छोड़ते हुए आपको सा का या उसके बाद दूसरा जो अचल स्वर है पा, उसका रियाज करना है। कभी भी आप बिना सांस लिए हुए या सांस की इंपॉर्टेंस को समझे हुए सिंगिंग का रियाज नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को याद रखिए कि एटलीस्ट जब आप बेसिक रियाज कर रहे हैं, मॉर्निंग का रियाज कर रहे हैं, खर्च के स्वरों का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें सांस लेने की जो भूमिका है उसे समझिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वो पांच टिप्स जो आपकी सिंगिंग को इम्प्रूव करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे सभी संगीत प्रेमियों में या जितने भी लोग गाना सीखने चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सचिन म्यूजिक लेसन्स इस चैनल पर मैं न सिर्फ सिंगिंग के, हारमोनियम, पियानो, गिटार और म्यूजिक प्रोडक्शन के काफी सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आप मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले देख पाए। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको मैं म्यूजिक की बहुत सी अपडेट्स अपने पेज पर भी देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।